शुरू करते हैं। यह हमारा पहला क्वेश्चन है, आप सभी को दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए, वीडियो पॉज करिए, उसके बाद से इसे लगाने की कोशिश करिए। यह क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और अभी लेटेस्ट किसी एग्जाम में आया हुआ, उसे देखते हैं कि कैसे किस पैटर्न को यह फॉलो कर रहा है। शायद यह जूनियर असिस्टेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, चलो। तो इसमें क्या है, बोल रहा है कि निश्चित कूट भाषा में मिलियन को कोड किया गया है IMIIMLLOIN के रूप में। उसके बाद से पूछ रहा है हिल्टन का कोड क्या होगा। तो आप पहले पैटर्न पहचानो कि पैटर्न क्या पूछ रहा है। पैटर्न क्या है इसमें, देखो इसे हम जब देखेंगे तो MILLIN कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 है, और ये भी उसी लेटर से मिलके बना हुआ है। इसका मतलब इसमें कोई इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं हुआ, ना आगे बढ़ा है ना खसका है। तो इसका मतलब इन्हीं लेटरों का यूज हुआ है। तो ये कैसे यूज हुआ है, रीअरेंजमेंट हुआ है, तो रीअरेंजमेंट हुआ है कहां से हुआ है, तो इसे बीच से स्प्लिट कर दिया गया है, ठीक है। सात है तो बीच से स्प्लिट कर दिया गया एल से, तो एल तो आपका सेम रहा। उसके बाद जो क्या हुआ है, आपका जो ये लेटर है देखो चेंज हो गया है, ये दोनों क्या हो गए हैं, यहां से ये दोनों चेंज हो गए हैं। आई जो है एम की पोजीशन ले लिया है, एम जो है आई की पोजीशन ले लिया, बाकी एल आपका वो सेम रहा है, ठीक है, ये एल जो है वो सेम है। तो उसी तरह से आपको इसका करना है हिल्टन का, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, बीच से स्प्लिट करोगे, कितने लेटर हैं, 6 लेटर हैं, तो आपका यहां से बीच से स्प्लिट होगा, 3 इधर जाएगा 3 इधर आएगा। उसके बाद से ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे, तो यहां हो जाएगा आई और यहां हो जाएगा एच, उसके बाद एल ये रहेगा, फिर इन दोनों में प्लेस वैल्यू इसकी एक्सचेंज होगी, दोनों की पोजीशन एक्सचेंज होगी, तो यहां हो जाएगा ओ, यहां हो जाएगा टी, यहां हो जाएगा एन। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, देख लो पहला ऑप्शन मिल रहा है, आंसर इसका एक सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन, पढ़िए इसे, वीडियो पॉज करिए कुछ देर के लिए और इसके आंसर निकालने की कोशिश करिए। आसान सा क्वेश्चन है, यह भी उसी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है जो पहला है, ठीक है। बोल क्या रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में क्लॉक को यह लिखा जाता है KCOLC, तो आप उसी भाषा में बताइए अगर रमेश को कोड किया जाए, ठीक है, कोड नहीं पूछा है, रमेश को कोड किया जाए तो पहला और अंतिम अक्षर क्या होगा, ठीक है। मतलब आप जब थोड़ा सा भी अगर हिंट देखेंगे कि इसमें क्या चल रहा है, जितने लेटर यूज हो रहे हैं वही लेटर आपका यहां पे भी यूज हो रहा है। इसका मतलब ये है आपको कि इसमें भी कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है। तो आप देखिए पहले कि क्या चल रहा है, इसमें रिवर्स चल रहा है, ये जो सी है वो यहां है, फिर एल है, फिर ओ है, ठीक है, फिर यहां पे के, मतलब जो इसका लास्ट है वो पहला हो गया है। वैसे ही हमें रमेश को कोड करना है, तो बस आपको पहला और लास्ट लेटर आपको बताना है, इसमें पूरा कोड भी नहीं बताना है। तो ये जो होगा इसका पहला हो जाएगा, ए यहां पे है, और आर जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, लास्ट लेटर हो जाएगा। तो ए आर का पेयर देख लो कहां है, ऑप्शन बी में है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन सेकंड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए, उसे लगाने की कोशिश करिए, उसके बाद अगर नहीं आता है आंसर तो मैं बता रहा हूं, उसे देखते रहिए, क्योंकि जब आप एक बार लगाओगे कहीं गलत होगा तब आपको पता चलेगा कि मैंने यहां गलत किया था, सोचने में ऐसे ही गलती की थी। यह भी आसान सा क्वेश्चन है, इसमें बोला एक निश्चित कूट भाषा में ए को 2 लिखा जाता है, ठीक है, बी को 4 लिखा जाता है। प्लेस वैल्यू अगर आपको याद है तो तुरंत पकड़ ले जाओगे कि ए 2 कैसे हो गया, बी को 4 लिखा जाता है और सी को 6 लिखा जाता है। तो आपसे पूछ रहा है 12 10 10 8 का लेटर क्या होगा, मतलब कोड क्या होगा। आपको पहले दिया गया ए जो है वो क्या है, 2 है, तो इस लेटर का प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 1 का डबल कर दिया गया तो 2 हो गया। वैसे ही बी है, बी की जो है प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 2, तो इसका डबल कर दोगे तो 4 हो जाएगा। तो ये तो पता चल गया कि डबल हो रहा है। अब आपको ये पता करना है कि जो ये नंबर दिया गया है वो किस लेटर का कोड होगा। तो उसके लिए क्या करोगे, जब देख रहे हो कि ये जो 4 लिख रहा है बी का, ये डबल है, तो जब हम इस नंबर से लेटर की तरफ जाएंगे तो इसका हाफ कर देंगे, तभी तो इसकी प्लेस वैल्यू पता चलेगी। तो आपके पास जो नंबर दिया हुआ है, क्या दिया है, 1210108, ठीक है, इन सब का क्या कर दो, हाफ कर दो, डिवाइड कर दो 2 से, तो यहां आ जाएगा क्या, 6,
ये 5, ये 5 और ये क्या हो जाएगा 4। अब देख लो 6 पे क्या आता है आपका, 6 पे आता है F, 5 पे क्या आता है E, E और D पे 4 होता है, तो क्या हो जाएगा फिर, तो आपको पता चल गया ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आपसे यहां पे इसका कोड दे दिया था, मतलब ये पहले ही दे दिया था आपसे, ये पूछ रहा था कि ये लेटर क्या होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, जूम कर दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए इसे और लगाइए वीडियो पॉज करके और आंसर बताइए क्या है। ठीक है, कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं, देखते हैं कि पहले किसका आंसर कितना सही आता है। ठीक है, इसमें क्या है क्वेश्चन, इंडस को कोड किया गया 03865, टेनिस को कोड किया गया 243305, उसके बाद से आपसे पूछ रहा है कि स्टूडेंट का कोड क्या होगा। सबसे सिंपल क्वेश्चन ये किस पे बेस्ड है, ये होता है कॉमन, आपको क्या पहचानना होता है कि जैसे ये स्टूडेंट है, इसमें जितने भी लेटर आपके यूज हुए हैं वो कहीं ना कहीं इंडस और टेनिस से है, इसके अलावा कहीं और से नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें जो एक्स्ट्रा कोई लेटर यूज हो गया, सपोज करो आर यूज हो गया, वो नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब वो किसी और भाषा में कोड किया गया है। अभी जो स्टूडेंट दिख रहा है वो इसे और इसी से रिलेटेड है, तो हम इसी से इसका कोड निकालेंगे। जैसे एस पहले है तो एस का कोड क्या होगा, यहां पे लास्ट है तो लास्ट क्या होगा 5 होगा, तो हम देख लेते हैं, पहले 5 लिख देते हैं। टी है, ऑप्शन से करेंगे इसे, टी है तो टी का कोड क्या होगा, यहां पे देखो टी क्या है, यहां पहले लेटर पे है तो लास्ट में 2 होगा, तो देखो 5-2 किस किस ऑप्शन में है, 5-2 देखो ये ऑप्शन तो खत्म हो गया, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, तो ऑप्शन बचा क्या, यही, तो आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान सा क्वेश्चन आता है, कोडिंग डिकोडिंग आपका कभी भी टफ नहीं होता, एक दो क्वेश्चन अगर कहीं टफ हो गया तो हो गया, नहीं तो वो भी नहीं होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप लोग देखिए पढ़िए और इसे लगाइए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है किसी भी कोड भाषा में देन को आर एल बी एस के रूप में लिखा जाता है, निम्नलिखित में से किस शब्द को उसी भाषा में, यहां पे पकड़िए, निम्नलिखित में से किस शब्द को उसी भाषा में, ठीक है, उसी पूर्ण भाषा में ए ई पी जे लिखा जाए, इसमें अलग पूछा है, जैसे इसमें क्या है टी एच ई एन, देन को क्या लिख रहा है आर एल बी एस पूछ रहा है, तो अब आपसे पूछ रहा है कि ए ई पी जे, ठीक है, ये है लेटर, इसका जो है मेन जो है क्या होगा, किसे कोड करके ए ई पी जे बनाया गया है, क्या ऐसा कौन सा यहां पे वर्ड रहा होगा जिसे कोड किया गया होगा तो वो ए ई पी जे बनेगा। यही अगर नहीं पकड़ पाते हो क्वेश्चन में तो ये गलत करके आ जाओगे, तुम डायरेक्ट सोचोगे कि ए ई पी जे को पूछ रहा है कि क्या इसका कोड होगा, तो वो भी ऑप्शन में दिया रहेगा और तुम यहां से उसे गलत कर दोगे, तो ये ध्यान में रखना कि निम्नलिखित में से किस शब्द को उसी कोड भाषा में ए ई पी जे लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि इसमें चल क्या रहा है, पहले तो उसके लिए क्या जरूरत है, प्लेस वैल्यू जरूरत है सभी लेटर की, तो याद हो जाएगा आपको अभी तक, टी का क्या है 20, एच 8, ई 5, एन कितने पे आता है 14 पे, आर कितने पे आता है 18, एल 12 पे, बी कितने पे आता है 2, एस कितने पे आता है 19। अब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो क्या चल रहा है, 20 से 18 कितने का डिक्रीमेंट हुआ, -2 का, 8 से 12 ये क्या हो रहा है 8 4 12 +4 हो रहा है, 5 से 2, ठीक है, अब ये कितना हो रहा है 5 से 2 जा रहा है तो -3 हो रहा है, ठीक, 14 से 19 ये क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, कितना +5 हो रहा है, तो जो चल रहा है इसमें वही इसमें भी चलेगा, यहां से क्या हुआ -2 हुआ, यहां से क्या हुआ -4 हुआ, +4 हुआ, 8 4 12 हुआ, यहां से -3 हुआ और यहां से +4 हुआ, +5 हुआ, तो वही चलेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको ए ई पी जे पता है, इसकी प्लेस वैल्यू लिख देते हैं 1 5 16 और ये कितने पे आता है जे 10 पे, आपको यहां पता करना है कि क्या होगा,
तो जैसे यहां पे चल रहे हैं तो हम क्या चल रहे हैं कि यहां पे जैसे -2 चले, तो जब हम इधर से यहां पे तरफ आएंगे, ठीक है, यहां से यहां तरफ आएंगे तो यहां जो -2 चल रहा था वो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक, तो एक पे है तो यहां पे क्या आ जाएगा, +2 करेंगे तो 3 आएगा, 3 पे क्या होता है, सी होता है, तो सी वाला देख लो कितने हैं, 3 है। ठीक है, अगर इसमें करें जे पे, तो जे से हम यहां पे क्या था, देखो ये लास्ट जो चल रहा था वो +5 हो रहा था, तो यहां से जब हम लास्ट वाला आएंगे तो क्या होगा, -5 होगा, तो -5 होगा, 10 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 5 बचेगा, तो 5 पे क्या आता है, ई। तो देखो लास्ट में ई किसमें किसमें है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं, किसके इसके पहले में सी नहीं है, यहां पे है, और ये दो ऑप्शन बच रहा है अभी। चलो सेकंड से मैच कर लेते हैं, सेकंड में डिफरेंस है, यहां से और यहां पे कितने का +4 हो रहा है, 8 4 12 हो रहा था, +4 हो रहा था, तो यहां से जब हम आएंगे और यहां पे आएंगे तो क्या होगा, -4 होगा, मतलब जो वहां माइनस था वो प्लस होगा जब इधर से आएंगे, और जो प्लस था वो माइनस होगा, तो यहां से माइनस होगा, तो 5 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, तो सी ए आएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो इसी तरह अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो और इसे करो, वो थोड़ा सा अलग था क्वेश्चन, उसमें क्या था, सिर्फ आपको शब्द पे ध्यान देना था कि उसमें पूछ क्या रहा है। इसमें भी देखिए आपका क्या सिंपल सा है कि एक टेबल है, उसे क्या है, टेबल लेटर है, उसे कोड किया जा रहा है SYYHJ में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में चेयर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप इसे करिए पहले कि क्या इसमें चल रहा है, कोडिंग में लिख लेते हैं इसमें टेबल, इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें चल क्या रहा है। टी कितने पे आता है, 20 पे, ए कितने पे आता है, 1 2 25, ये होता है 19, वाई कितने पे आता है, 25 25 8 और 26। अब यहां से देखिए तो यहां क्या चल रहा है, कितना माइनस हुआ, 1 माइनस हुआ। ठीक है, 1 से जाए वाई पे तो कितना माइनस हुआ, क्योंकि रिवर्स गया है, तो टोटल 26 होते हैं, 26 एक 27 में से 25 हम जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये -2 पे चल रहा है। अब ये कितने पे है, 2 पे है, यहां से यहां जा रहे हैं 25 पे, तो आपका 26 2 28 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 26 होते हैं, 2 और आगे बढ़ा है तो 28, 28 में से 25 आ रहा है, इसका मतलब कितना माइनस हो गया, 3 माइनस हो गया। ऐसे ही आपका इसमें 4 माइनस होगा, ये 12 है, L जो होगा आपका ये 12 पे होगा, ये T नहीं था। ठीक है, तो 12 में से -4 होगा तो 8 हो जाएगा, और 5 में से जो है माइनस कितना होगा, इसमें -5 हो जाएगा, तो कहां पे चले जाओगे, जेड पे चले जाओगे, क्योंकि वहां पे -5 करोगे तो सीधे जेड पे चले आओगे, तो -1 -2 -3 -4 -5 ये चल रहा है। तो आपको बताना है कि चेयर का कोड क्या होगा, तो सिंपल सी बात है कि इसका क्या होगा, इसमें -1 होगा, ये 3 पे होता है, 3 में से -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा, और ये -1 -2 -3 -4 -5, 18 में से 5 जाएगा तो 13, तो बी और एम लास्ट में होना चाहिए, किसमें है, देखो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं, इसमें और इसमें है। अब यहां देख लेते हैं, -2 होगा यहां पे, तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, तो बी एफ होना चाहिए, तो बी एफ वाला ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी है, तो आपका ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है सभी को, ठीक है, लगाइए इसे, क्वेश्चन में क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपको, जितने भी क्वेश्चन है वो सब देखिए आसानी है, कोई भी ऐसा टफ नहीं क्वेश्चन है। इसमें बोला कॉपर को कोड किया गया है C15P16E18, सल्फर का बोला है कि ये कोड किया गया है, तो सोडियम का कोड क्या होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें क्या है, COPER, सी को आपको ऐसे ही उतारा गया है, और ओ पे क्या लिखा गया है, 15 लिखा गया है। ठीक है,
ओ क्या होता है, इसकी प्लेस वैल्यू होती है ये 15। पी सेम है, उसके बाद से फिर जो ये आपका पी है इसे क्या है प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिखा गया है 16। उसके बाद आपका ई क्या है वैसे हूबहू उठाया गया है, और आर क्या है किस पे आता है 18 पे। मतलब एक तो सेम है उसके बाद से उसकी प्लेस वैल्यू है। अगले वाले में देख लेते हैं एस यू एल एफ यू आर क्या होता है। कई बार आप लोग गलती करते हो, यहां पे देख लेते हो जो दूसरा दिया होता है उसमें नहीं चेक करते हो। क्या होता है एक बार यहाँ पे कोई चीज सेटिस्फाई कर जाती है मगर इस पे नहीं करती है, तो आपका जो क्वेश्चन पूछा होता है उसका आंसर आप गलती में जो गलत निकाल आते हो। तो यहां पे सल्फर है एस यू एल, अब यहां पे भी एस है, यू का 21 होता है, एल आपका वही हो गया, एफ 6 हो गया, यू जो है आपका वही निकल गया, और 18। इसका मतलब दोनों में सेम चल रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप सिंपल सा कर सकते हो कि सोडियम का आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो S का क्या होगा, S तो वैसे आएगा, O क्या होगा आपका 15 होगा, फिर D होगा, I क्या 9 पे होगा, U होगा, M कितने पे होगा 13 होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है देख लो, S15 D9 U13 ऑप्शन C दिख रहा है आपका, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है किसी कोड में मोबाइल को ये लिखा गया है 13U2O12I, ये आई है यहां पे उसी का पार्ट है, गैजेट को ये लिखा गया है, तो आपसे पूछ रहा आईफोन को क्या लिखा जाएगा। तो ये भी सिंपल सा है क्योंकि आपको जब M यहां दिख रहा है और यहां 13 दिख रहा है तुरंत अंदाजा हो जाएगा कि उसकी प्लेस वैल्यू ही लिखा है बाकी कुछ नहीं लिखा है। तो कैसे लिखा है चलो देख लेते हैं। यहां पर जो मैंने आपको बताया था कि क्या करते हो कि पहले वाले में देख लेते हो दूसरे वाले में देखते नहीं हो कि कोड कैसा चल रहा है तो गलत कर लेते हो, तो वही होगा इसमें। देखो ये 13 है, ये O है और यहां पे U है, ये कैसे हुआ कि डायरेक्ट O से U चला आया, ना उसकी कोई प्लेस वैल्यू ना कुछ, या तुरंत क्लिक करना चाहिए क्योंकि आपका जो TCS है जो कोडिंग डिकोडिंग देता है वो दो तीन चीजों पर इस समय फोकस है, वो है एक इवन आउट प्लेस और एक है आपका वोवेल और कॉन्सोनेंट। तो वोवेल है, ओ क्या है वोवेल है, तो उससे अगले वोवेल से वो क्या हो रहा है रिप्लेस हो रहा है, तो अगला वोवेल क्या पड़ेगा आपका यू पड़ेगा, ठीक है। बी है आपका 2 पे आता है, आई जो है आई के बाद अगला वोवेल क्या आएगा ओ आएगा, तो जो वोवेल है वो अगले वोवेल से रिप्लेस हो रहा है। एल कितने पे आता है आपका 12 पे आता है, ई फिर से वोवेल आ गया, तो इसका अगला वोवेल कौन सा होगा आई होगा। तो आपसे पूछ रहा है इसमें भी देख लेते हैं क्या वही चल रहा है, जी आपका 7 हो गया, ए का अगला वोवेल ई हो गया, डी आपका 4 हो गया, जी आपका क्या हो गया 7 हो गया, फिर ई से अगला वोवेल आई, फिर आपकी प्लेस वैल्यू आ गई। तो सिंपल सी बात है वही हम करेंगे, आई आपका क्या आ गया पहले ही वोवेल आ गया, तो अगला वोवेल क्या होगा ओ, ओ से शुरू होना चाहिए आपका, ऑप्शन 2 ओ से शुरू हो रहा है, ऑप्शन बी हो रहा है, ऑप्शन बी और सी दोनों शुरू हो रहे हैं, उसके बाद से पी है, उसके बाद 16 होगा, लास्ट देख लेते हैं ई है, तो ई का क्या होगा आई होगा, ठीक है अगला वोवेल आई होना चाहिए, तो आई देखो दोनों में लास्ट में है, 16 16 यहां हो गया 8 कर ही लेते हैं इसको, एच क्या आपका 8 होगा, उसके बाद ओ से अगला वोवेल क्या आएगा यू आएगा और यहां पे 14 होगा, तो देख लो ओ 16 8 यू 14 I, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 इसे करो, आसान सा क्वेश्चन है, बोल रहा है किसी भी कोड भाषा में जोकर को, ठीक है KNLDS लिखा जाता है, क्लाउन को DMNXO लिखा जाता है, तो फनी को क्या लिखा जाएगा। तो पहले तो आप उसे लिख लो कि क्या चल रहा है इसमें, प्लेस वैल्यू इसकी लिख लो LDS, जे कितने पे आता है 10 पे, ये 15 पे, 11 पे, ये 5 पे, ये 18 पे, ये कितने पे आता है 11, ये 14 और ये 12 और ये 4 और ये 19। यहां से देखो 10 से 11 कितने का प्लस हुआ 1, उसके बाद से यहां है O, ठीक है ये क्या हुआ इसमें O से जब 15 है तो -1 हो गया, 11 से 12 1 प्लस हुआ, 5 से 4 -1 हुआ और R से 18 प्लस 1 हुआ,
मतलब इसमें ये चल रहा है कि प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन, तो क्या ये दूसरे वाले में चल रहा है? जैसे देख लें, दूसरा क्या आपका सी एल ओ डब्ल्यू एन क्लाउन, अगला क्या है इसे कोड किया गया है डी एम एन एक्स ओ, इसे कोड करते हैं, इसका प्लेस वैल्यू 3 है, ये 12 है, ये ओ कितने पे आता है 15 पे, ये 23 पे, ये 14 पे, ये आ गया 4, ये 13, ये 14, और ये आपका कितना हो गया 24, और ओ आपका 15। यहां से देखें तो 3 से 1 4 बढ़ रहा है, ठीक है। एल ये क्या हो रहा है 12 से 13 फिर से बढ़ गया, मतलब अब आप सोचोगे कि अगर इस बेस पे करते तब तो आंसर गलत निकाल देते, क्यों? क्योंकि यहां पे प्लस वन हो रहा है, यहां माइनस वन हो रहा है, तो आप सोचो कि सब प्लस वन माइनस वन चल रहा है, तो डायरेक्ट सीधे यहीं से आओ और फनी का प्लस वन माइनस वन निकाल के कोड कर दो, जो यहां मिले आंसर मार दो, उसके बाद जब आपका आंसर किया आएगा तो उसमें आपको नेगेटिव मिल जाएगा। तो इसीलिए मैंने बोला जब भी दो दिया रहे तो ओवर कॉन्फिडेंस में ना होना, चेक कर लेना यहां पे क्या हुआ, प्लस हुआ, यहां पे फिर से प्लस हो गया, तो वो फॉलो नहीं किया, फॉलो नहीं किया तो क्या फॉलो कर रहा है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए क्या फॉलो कर रहा है, तो क्या फॉलो कर रहा है, तो यहां पे एल है, यहां से ये 13 हो रहा है, इसका मतलब ये भी प्लस हो रहा है, और वो जो है देखिए अब 15 से 14 हो रहा है, अब माइनस हो रहा है, तो यहां आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है कि यहां माइनस हो गया और जहां होना चाहिए था वहां नहीं हुआ। तो देखो बच्चों इसमें क्या है कि ये 15 है, तो वो जो है क्या है आपका वोवेल है, जो मैंने बताया ना कि टीसीएस किस पे काम कर रही है, वोवेल कॉन्सोनेंट और इवन और ऑड प्लेस पे, तो वो जो है आपका वोवेल है, तो वोवेल वाला जो प्लेस वैल्यू है वो माइनस में हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, बाकी जो कॉन्सोनेंट है वो आपके क्या हो रहे हैं एक प्लस से बढ़ रहे हैं, बस यहां क्लिक कर गया आप आंसर निकाल लोगे आसानी से, इसे जूम कर देते हैं। चलिए अब निकालना है आपको आंसर, तो किसका निकालना है, फनी का निकालना है, एफ यू डबल एन वाई, बस आराम से निकालोगे आप, एफ क्या कॉन्सोनेंट है जानते हो, प्लस वन होगा, तो एफ के बाद 6 के बाद 7 आएगा, जी होगा, और वाई भी आपका कॉन्सोनेंट है, आप इसमें क्या जानते हो प्लस वन ही होगा, तो वाई के बाद जेड आएगा, तो देखो जी और जेड होना चाहिए लास्ट में, सभी ऑप्शन में है, इसे छोड़ो। चलो यू है आपका वोवेल है, वोवेल है इसका मतलब क्या होगा, एक माइनस होगा, तो 21 में से एक माइनस कर देंगे तो टी आ जाएगा, ठीक है, और यहां पे क्या आपका यन है, ये दोनों क्या है कॉन्सोनेंट है, तो क्या होगा दोनों में एक एक प्लस होगा, 14 एक 15, 15 पे ओ आता है, तो जी टी डबल ओ जेड, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन सी दिख रहा है, ये आपका सही हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला जहां आपसे दो दिया रहा है उसे दोनों को कोड करके देख लेना कि कहीं पता चले पहले में कुछ और दिमाग लगा कर लेगा तुम लोग और दूसरे में कुछ और चल रहा है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें एक कोड दिया गया है, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग ही बोल सकते हो, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है आपका, सिंपल सा है, जे यू वी एल आई एम को कोड किया गया है केयरलेस में, के यू टी एल आई एम का अर्थ है केयरफुल, और के यू टी एन एल का मतलब है हेल्पफुल, किस शब्द का मतलब जो होगा क्या कोड होगा, हेल्पिंग का कोड क्या होगा, तो आप देख रहे हो हेल्प तो यहां दिख रहा है, आईएनजी अलग से आया, आईएनजी कहीं यहां इसमें नहीं है, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं आईएनजी नहीं है, मगर यहां पे हम जब देखें हेल्पफुल और केयरफुल तो इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, एफ यू एल कॉमन है, फुल कॉमन है, इसका मतलब इसके कोड में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, तो यहां पे क्या देख सकते हैं कि के यू टी और के यू टी कॉमन है, तो इसका ये कह सकते हो कि के यू टी का मतलब क्या हो गया, एफ यू एल हो गया, ठीक है, तो इस यहां पे जो बचा क्या एनओएल, तो हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प का एनओएल हो जाएगा, तो जिस ऑप्शन में आपको एनओएल दिख जाए वही आपका करेक्ट आंसर होगा, बाकी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है आप देखिए ध्यान से, इसमें लास्ट का 3 जो है एनओएल है, तो यही आपका क्या होगा आंसर होगा। यह ही आसान आसान से क्वेश्चन आते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए इसे देख लेते हैं इसमें क्या चल रहा है, ये बड़ा सा कोड है इसमें छोटा सा बोल गया, उसके बाद से पूछ रहा है इसका कोड क्या होगा, इसमें भी देख लेते हैं एम है जे है, तो पहला इसमें किस हिसाब से हुआ है आप प्लेस वैल्यू, पहला काम क्या होना चाहिए कि किसी भी कोडिंग डिकोडिंग में प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, उसे प्लेस वैल्यू लिखो ताकि आपको पता चल जाए चल क्या रहा है, ये कितने पे 13 9 14 1 18 5 20,
अब ये कितने पे है, 10, 6, 11, 24, 15, 2, 17 क्या चल रहा है भाई? यहां से देखो कितना कम हुआ, माइनस का 3, 9 से 6 पे चले आए कितना कम हुआ, माइनस 3, 14 से 11 चले आए कितना कम हुआ, माइनस 3, लास्ट का भी देख लेते हैं क्या माइनस 3, हाँ सब में माइनस 3 ही कम हो रहा है, मतलब सब कुछ माइनस 3 से कम हो रहा है। तो आपका कोड किससे निकालना है, बाय का कोड निकालना है। अब इससे माइनस 3 चलोगे तो ये कितने पे होगा, 26 टोटल लेते होते हैं, इसका दो नंबर होता है 28, 28 में से 3 माइनस कर दोगे तो 25 पे पहुंच जाओगे, और 25 पे क्या होता है आपका वाई होता है, ठीक है। अब यू है, यू कितने पे होता है, 21 पे, 21 में से माइनस 3 जाओगे तो कहां पहुंच जाओगे, 18, 19, 20, 21, तो यहां क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और ये कितने पे होता है, 25 पे, 25 में से 3 माइनस कर दोगे तो कहां पहुंच जाओगे, 22 पे, तो वी पे पहुंच जाओगे। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, वाई आर वी, ऑप्शन ए आपका जो होगा वो सही होगा। चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में फ्रैक्शन को ये लिखा जाता है और पूछ रहा है क्वांटिटेटिव को क्या लिखा जाएगा। तो आप इसमें देखो कुछ, वो भी इसमें भी क्या हुआ, कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं हुआ है, तभी आपको जितने वर्ड यहां दिख रहे हैं वही वर्ड यहां पे दिख रहे हैं। तो इसका मतलब आपको कोई अलग से लॉजिक नहीं लगाना है कि हमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है, इसके प्लेस में ही चेंज हो रहा है, कैसे हो रहा है ये देखना है। चलो इसकी नंबरिंग कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 डिजिट है। यहां पे देखो कि कैसे आया है, यहां आया है क्या पहला नंबर, उसके बाद से कौन सा आ गया, आठवां नंबर, उसके बाद से ए, कौन सा नंबर है, ए वाला, ये तीसरा है, और यहां पे देखो आई कौन सा है, 6 है, टी कौन सा है, 5 है, सी कौन सा है, 4 है, ओ कौन सा है यहां पे, 7 है, और आर कौन सा है यहां पे आपका, 2 है। ये कैसे अरेंज हो गया, पहले एक आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, और लेटर यहां 8 है, अगर यहां भी 8 होता तो हम चलो नंबरिंग करके वैसे ही अरेंज कर देते जैसा था। तो कैसे होगा, पहला तो क्वेश्चन उठाना चाहिए कैसे हुआ कि यहां पर अगर 8 है तो यहां तो नंबर डिजिट ज्यादा हो गया 12, तो ये कैसे हम रीअरेंजमेंट करेंगे इसके हिसाब से, अगर मैंने 183 तक कर दिया है तो इसमें आपको ये तुरंत जब क्वेश्चन उठा तो आपको याद होना चाहिए। देखो क्या कि यहां 1 है, ये 3 है, और यहां 5 है, एक एक छोड़ के चलो, और यहां पे आपके ऑड वैल्यू है, ठीक है, जो भी आपके ऑड वैल्यू है वो एक के बाद गैप पे लिखा गया है, जैसे यहां एफ हो गया, यहां गैप छोड़ गया, यहां ए हो गया गैप छोड़ा, फिर यहां टी हुआ, फिर गैप छोड़ते हैं, फिर ओ हुआ, मतलब यहां पे ये एक नंबर पे है, ये आपका कितने 3 नंबर पे है, और ये टी कितने पे, 5 नंबर पे है, और वो कितने पे, 7 नंबर पे, मतलब ये क्या ऑड प्लेस है, ठीक है, इस लेटर में ऑड प्लेस है। इवन प्लेस क्या हुआ है, यहां भरा गया है, जितने भी ये खाली है ना इस पे इवन प्लेस भरा गया है, क्योंकि टोटल कितने 8 डिजिट है, तो इवन प्लेस यहां भरा गया, इवन प्लेस भरना है तो यहां से लास्ट से शुरू हो रहा है इवन, दूसरा नंबर पे कौन सा है, आर है, देखो तभी यहां पे आर था, दूसरे के बाद दूसरा इवन क्या आएगा, 4 आएगा, तो 4 नंबर पे देख लो क्या है, इस पे सी है, तो यहां सी होगा, 4 के बाद क्या आएगा, दूसरा 2 हो गया, ये 4 हो गया, 6 यहां पे आएगा, 6 वाली वैल्यू, 6 पे क्या है, आई है, 6 के बाद 8 वाली वैल्यू आएगी, तो 8 वाली वैल्यू कौन सी है, एन है, ठीक है, तो यही हुआ है। तो सिंपल सा बात है, इसे लिख लो क्यू यू ए एन टी आई टी ए टी आई वी ई, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, पहले इवन वाली होगी ऑड वाली, ठीक, तो ऑड वाले से शुरुआत होगा, तो सब में ऑड वाली है, उसके बाद लास्ट में देखो पहले क्यू होगा, उसके बाद लास्ट में आपका क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, एक एक प्लेस छोड़ते चले जाओ, यहां पे एक होगा, यहां पे आपका 3 वाली वैल्यू आएगी, यहां आपका 5 आएगा, 5 आएगा, यहां पे आपका 7 आएगा, यहां पे आपका 9 आएगा,
यहां पे आपका 11 आएगा, ठीक। तो एक और यहां से मतलब यहां पे कौन सी आएगी, सबसे पहले दो नंबर आएगा और ना इवन वैल्यू यहां पे शुरू होगा और तो ये चल ही रहा है 1, 3, 5, 7, 9, 11 और लास्ट से क्या आएगा आपका इवन वैल्यू आएगा। तो लास्ट से इवन वैल्यू आएगा तो इवन वैल्यू वो भी दूसरे नंबर वाला, तो यू से लास्ट शुरू होना चाहिए। तो देखो पहला तो वन होगा, वन पोजीशन पे मतलब क्यू होना चाहिए और लास्ट वाला हमारा क्या होना चाहिए इवन पोजीशन वाली वैल्यू होनी चाहिए। तो इवन पोजीशन वाली कौन सी है, ये है। तो यहां पे आपको क्यू यू मिला और इसमें भी क्यू यू मिला। अभी भी डाउट है आपको क्योंकि दो ऑप्शन मिल रहे हैं और दो खत्म हो गए हैं आपके। तो चलो देख लेते हैं अगला हमारा इवन वैल्यू क्या यहां पे मिलेगा, दो के बाद चार वाला मिलेगा। तो चार पे क्या आ रहा है देख लेते हैं यहां पे। देखो चार पे क्या आ रहा है, एन आ रहा है। तो चार पे एन आ रहा है तो एन देख लो यहां से किस पे है, यहां पे है और इसमें क्या है, इसमें जो है आई है तो ये तो होगा नहीं। या अच्छा ये और ये मिला था आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। तो इसमें देख लेते हैं यहां पे जो आएगा वैल्यू वो कौन सी आनी चाहिए, हमें चौथी वैल्यू आनी चाहिए, ये वाली एन वाली वैल्यू होनी चाहिए। तो इसमें तो है नहीं, इसमें तो ई है तो ये अपना गलत हो जाएगा, बचेगा क्या आपका यही, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कुल मिला के आपको देखना है कि इवन और ऑड की पोजीशन। तो यहां पहले आपका ऑड से शुरू हो रहा है तो पहला ऑड और लास्ट वाला आपका किससे शुरू हो रहा है, इवन से, तो इवन वाला देख लिए। तो इवन में हमारा दो नंबर यहां है तो दो नंबर से शुरू होना चाहिए। तो आपको जो मिला उसे, जो नहीं मिला उसे काट दो, जो दो मिला है उसे देख लो, उसके बाद से लास्ट का फिर से देख लो कि लास्ट वाला दूसरा हमारा इवन कहां आ रहा है। तो दूसरा हमारा इवन जो आ रहा है वो चार नंबर पे है, वो क्या है, एन है, तो एन इसमें है ही नहीं, यहां पे है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, आसान सा क्वेश्चन है। इसमें प्लेस वैल्यू क्या क्या सम है क्या नहीं है, आप खुद देखें कि क्या ये डोर इक्वल टू 25। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके आता है एग्जाम में तो पहला आप दिमाग लगाते हो सबसे एक पे कि सबकी प्लेस वैल्यू होके हुआ होगा। जाहिर सी बात है यही होता भी है, 100% में से आपको 80% ऐसा मिलेगा कि उसके प्लेस वैल्यू का सम ही होगा, उसी में कुछ चेंज होगा, चाहे उसमें प्लस हुआ होगा 4-5, चाहे उसमें माइनस या होगा, चाहे मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो 100% में से आपको 80% यही केसेस मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी उसी से रिलेटेड है, देखते हैं कैसे। DOOR डी कितने पे आता है, 4 पे। ये कितने पे आता है, 15 पे, 15 पे और 18 पे, 30, 10, 40, 48, 4, 52 आ गया। डोर का जो प्लेस वैल्यू का जो सम होगा वो कितना होगा, 52 और लिखा कितना है 25। दिमाग कहां क्लिक करना चाहिए, अरे इसको तो उल्टा कर दिया गया है भाई, 25 वही लिखा है। बस देखिए प्लेस वैल्यू को ही इसमें प्लस किया गया है, जो आया है डिजिट उसको रिवर्स कर दिया गया है। वैसे ही से भी चेक कर लेते हैं कि पता चले यहां हो और इसमें हो ही ना, ऐसा लोअर को प्लस करें तो ये होगा 12, 15, 23, 5, 18, ठीक। तो इन सबको जोड़ो तो क्या हो जाएगा, 20, 10, 30, 10, 40, 40, 10, 50, 50, 52, 52 प्लस 18 आपका 73 हो जाएगा। ये 73 को 37 लिखा गया है, ठीक। तो वही हो रहा है, जो आपका सम करके आ रहा है उसका रिवर्स कर दिया जा रहा है। बस जब दो में फॉलो कर गया तीसरा फॉलो करेगा, तो हमें ओवर का निकालना है कि ओवर का क्या होगा कोड। तो ये 15 पे आता है, ये 22 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 18 पे आता है, तो ये क्या हो जाएगा 20, ठीक है। 20 और 15 कितना हो जाएगा, 20, 20, 40, क्योंकि ये 15, 5, 20, तो 40, 2, 42, 42 और 18, 60 हो जाएगा टोटल। तो ये 60 होगा इसका प्लेस वैल्यू का सम, मगर आपको 60 दिया, ये नहीं कि 60 ऑप्शन मार देना, इसे रिवर्स कर देना, 06 इसका कोड होगा, आंसर डी इसका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक कोड भाषा में PROS को लिखा जाता है PPOQE, उसके बाद से आपसे पूछ रहा है लाइट क्या होगा। इसमें दिमाग लगाओ क्या हो रहा है, क्योंकि आपका P आपका वही है सेम, यहाँ पे R जो है चेंज हुआ है वो आपका सेम है, Q चेंज हुआ, S जो है Q में चेंज हुआ है, बाकी आपका E सेम है। तो यहां से पता चलेगा मतलब कुछ सेम है और कुछ चेंज हो रहा है। तो कैसे चेंज हो रहा है, PROSE
यहाँ लिखा है पी पी ओ क्यू ई, मतलब ये आपका सेम है। ये चेंज हुआ है, कैसे चेंज हुआ है, ये 19 पे होता है, ये कितने पे होता है 17 पे, तो कितना चेंज हुआ -2, बाकी ये आपका सेम है। ये चेंज हुआ 18 से 16, कितने का हो गया, ये 18 पे होता है 16 -2, बाकी ये सेम है। बस तो ऐसे ही कोड कर देना, क्योंकि इसमें दो तो है ही नहीं, जो इसमें चला वही इसमें लाइट में भी चलेगा। ये सेम हो जाएगा टी, और यहां पे आपका सेम हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, -2 होगा, तो 9 में से 2 माइनस करोगे क्या हो जाएगा 7, एल एफ से शुरू होना चाहिए, तो एल एफ से आपसे कौन सा, ये एल आई जी एस टी, ये 9 है, ठीक है, 7 8 9, -2 चलेगा, तो यहां से आपका क्या होना चाहिए एल 7 के बाद 8 9, तो यहां क्या आना चाहिए एल जी आना चाहिए, एफ नहीं जी आना चाहिए, क्योंकि जी जो होगा आपका किस पे होगा 7 पे होगा, 9 में से 2 माइनस करोगे तो जी आएगा 7, तो जी देख लो कहां है, एल जी से ये स्टार्ट है, एल जी से ये स्टार्ट है, ये तो दोनों होंगे नहीं। आगे देख लेते हैं, जी आपका सेम रहेगा, मतलब दो जी एक साथ होने चाहिए, कहां है दोनों में है। उसके बाद से ये क्या होना, -2 होना चाहिए, 8 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 पे क्या आता है आपका एफ आता है, तो एफ किस पे है, ऑप्शन डी में है, तो एल जी जी एफ टी आपका ऑप्शन डी होगा, वो सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, इसे देखिए, आसान सा क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन कराए सब आसानी था। अगर एक खास कोड में मास्टर को SMART लिखा जाता है तो कैरेट को क्या लिखा जाएगा। इसमें भी देख लो कि जितने वर्ड मास्टर में यूज हुए हैं वही SMART में यूज हुआ है, मतलब कोई भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं है, उसी से यूज हुआ है, तो कैसे हुआ है चलो देख लेते हैं, MASTER, ठीक। अब इसे कोड किससे में किया गया है, SAMRET, साफ साफ दिख रहा है आपको कि इसमें क्या हुआ है, हाफ हाफ पोर्शन हुआ है, हाफ मतलब यहां से अगर स्प्लिट कर दें इसे 6 टोटल, तो 3 इधर और 3 उधर, इन तीनों में क्या हुआ, M यहां आ गया, S यहां आ गया, A बीच में, तो A बीच में रह गया क्रॉस वाला, ठीक है। अब इसी क्रॉस में कभी कभी आपसे चेंज भी हो जाता है, मतलब उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता रहता है, ये R हो गया, ये T हो गया, और ये E हो गया, तो सिंपल सा है, इसमें बस कुछ नहीं करना है, क्रॉस जो है चेंज हुआ है, 3 से स्प्लिट कर दो, ये R C, मतलब यहां R होगा, यहां C होगा, यहां A होगा, और इस वाले में क्या हो जाएगा, T होगा, O होगा, R होगा, तो R A C T O R, R A C T O R, ऑप्शन A जो होगा वो सही होगा। तो ये आपके टोटल 15 क्वेश्चन हो गए इस सेशन में, बाकी अगले सेशन में मैं कराऊंगा 15 क्वेश्चन, 15-15 का मैं सीक्वेंस लेके चलूंगा, आपको ऐसे ही पूरा कोडिंग डिकोडिंग से चैप्टर है आपका, जितने भी एग्जाम TCS कराती है, ठीक है, चाहे वो बैंक हो, चाहे आपका SSC हो, चाहे UPSI हो, चाहे UPSSSC हो, जितने भी उसने कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन रखे होंगे सब मैं छाट के आपको हर एक सेशन में कराता चला जाऊंगा। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, धन्यवाद।